Assalamu alaikum to all dear students. How are you all? I hope you all are doing well and fine at your home. So this is your lesson of computer science and today we are going to do a very interesting task. Aaj hum ek bahut interesting task karenge that is relating to InPage. So how many of you hear the name of InPage? And what is basically InPage? Alishba, can you tell me? Right, InPage is basically a software, application software which is used if you want to do typing in Urdu. So this software is used if you want to do typing in Urdu, then simply you can use InPage. So I think at this level you must know how to type in Urdu and how we can type different kind of stories in Urdu, essays, khat likhna hai, aapne koi story likhni hai, koi kahani likhni hai Urdu mein, then simply you must aware how to use InPage. So I will tell you how to download and how to use, but at the end you just have to do the practice. मैं आपको सिंपली ये बताऊंगी कि हमने किस तरह से डाउनलोड करना है InPage को, इसके अलावा हमने InPage को यूज़ किस तरह से करना है. एट द एंड आपने उसकी टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है सो दैट यू कैन लर्न हाउ वी कैन टाइप इन उर्दू. इज इट क्लियर? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन ओपन अ वेब ब्राउजर. ओके, सो नाउ कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज गूगल क्रोम? We all are using Google Chrome. We are doing a lot of search on by using Google Chrome. So what is Google Chrome? Vania, can you tell me? Right, Google Chrome is basically your web browser. Google Chrome आपके पास क्या है? एक web browser है. आपने अगर internet use करना है और उस पर किसी भी topic को search करना है तो simply आप क्या करोगे? आप web browser use करोगे, जिसमें हमारे पास कई तरह के वेब ब्राउज़र आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल, एक आपके पास है गूगल क्रोम. नाउ मुनीबुर रहमान, कैन यू टेल मी द फाइव नेम्स ऑफ वेब ब्राउज़र्स? आप मुझे किसी फाइव, कोई से फाइव वेब ब्राउज़र्स के नेम बताएं. यस मुनीब, हरी अप. राइट, सो बेसिकली यू हैव, एज यू कैन सी, कि एक हम इस वक्त जो यूज कर रहे हैं दैट इज गूगल क्रोम. आफ्टर दैट एज यू कैन सी दिस वन. सो कैन एनीवन टेल मी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इज इट अ वेब ब्राउजर और समथिंग एल्स? राइट, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज यू कैन सी द सिंबल जो कि ई की फॉर्म में है, ये भी आपके पास क्या है? एक वेब ब्राउजर है. तो आप यहां पर किसी भी चीज को, किसी भी टॉपिक को इजीली सर्च कर सकते हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, हिस्ट्री, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, आप इजीली एक ही प्लेटफॉर्म पर उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं. आफ्टर दैट आई एम जस्ट गोइंग टू क्लोज इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गूगल क्रोम, आफ्टर दैट इंटरनेट एक्सप्लोरर. नाउ अब्दुल हादी, कैन यू टेल मी व्हाट इज द थर्ड वेब ब्राउजर? आप किसी भी वेब ब्राउजर का नेम बता दो सो दैट हम कोई से पांच वेब ब्राउजर्स का हमें बताना चाहिए. यस टेल मी अब्दुल हादी. राइट, एग्जैक्टली. फॉर एग्जांपल यू हैव मोज़िला फायरफॉक्स. सो मोज़िला फायरफॉक्स इज आल्सो नोन एज योर वेब ब्राउजर. सो लेट सर्च द पिक्चर ऑफ मोज़िला फायरफॉक्स. ओके, सो एज यू कैन सी दिस इज योर द आइकन ऑफ मोज़िला फायरफॉक्स विच इज ऑल्सो योर वेब ब्राउजर. सो वेब ब्राउजर का काम क्या है? यू कैन सर्च एनी टॉपिक एंड यू विल गेट एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, इमेजेस, एज यू कैन सी. ऑल दैट मीन्स, ऑल का मतलब है यहाँ पर आपको जितने भी इसकी डिटेल है वो सारी यहाँ पर मिलेंगी. इमेजेस, इमेजेस का मतलब है कि आपको यहाँ पर पिक्चर्स मिलेंगी न्यूज़ के इस वेब ब्राउजर से रिलेटेड, या जो आपने टॉपिक सर्च किया उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको न्यूज़ मिलेगी. वीडियोस, बुक्स, और यहाँ पर अगर आपने उसकी हिस्ट्री चेक करनी है सो यू कैन इजीली यूज इट. इज इट क्लियर? सो ये आइकन है मोज़िला फायरफॉक्स का. सो वी हैव राइट नाउ गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर,
Mozilla Firefox. And now, who will tell me the fourth one? Zaima, can you tell me? Right, very good, Zaima. So the fourth one we have Safari. So as you can see, मैंने simply इसका name type किया है और उसकी जितनी भी history है आप इसको यहाँ से download कर सकते हैं. So simply Safari is the web browser. Is it clear? Okay. After that we have the fifth one. So who will tell me the fifth name of web browser? आपको कम से कम किसी पांच वेब ब्राउजर्स के नेम पता होने चाहिए. इज इट क्लियर? राइट. द लास्ट फॉर एग्जाम्पल वी विल टाइप हियर ओपेरा मिनी. दिस इज ऑल्सो अ वेब ब्राउजर. इसके अलावा आप कोई भी सर्च कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज और फायरफॉक्स. ये सारे आपके पास वेब ब्राउजर्स हैं और वेब ब्राउजर्स बेसिकली क्या है, आपको एक तरह से इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे होते हैं. इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू फाइंड अ थिंग ऑन टेबल, अगर आपने किसी चीज़ को टेबल पर फाइंड करना है तो फर्स्ट थिंग इज आपके पास वो टेबल होगा तो आप उसके ऊपर उस चीज़ को सर्च करोगे. सिमिलरली इफ यू वॉन्ट टू सर्च एनी थिंग देन यू मस्ट हैव अ वेब ब्राउजर. और हर मोबाइल में, हर लैपटॉप में कोई ना कोई वेब ब्राउजर ज़रूर होता है. इज इट क्लियर? और बाई डिफॉल्ट कोई ना कोई वेब ब्राउजर होगा, जैसे कि इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर है, बट हम गूगल क्रोम यूज़ करते हैं या मोज़िला फायरफॉक्स क्योंकि उसमें कमांड ज़्यादा अच्छी है, उसमें हम इजीली चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं. एड्स की ऑप्शन इतनी शो नहीं हो रही थी, मतलब आपका जो इंटरफेस है, जो लेआउट है वो सिंपल है. इज इट क्लियर? ओके. सो दीज आर द वेब ब्राउजर्स. नाउ वी विल सी कि हमने यूज़ करना है इन पेज को. सो फॉर एग्जाम्पल यू कैन यूज़ एनी वेब ब्राउजर एंड यू जस्ट हैव टू टाइप इन पेज सेटअप. आप जैसे ही इस पर सर्च करेंगे सो दिस काइंड ऑफ इंटरफेस विल अपीयर ऑन योर स्क्रीन. सो नाउ कैन एनीवन टेल मी इन पेज इज योर सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? इन पेज इज योर सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. हरम कैन यू टेल मी? Right, InPage is basically your application software. Why? Because as you can see, InPage में आप सिर्फ और सिर्फ उर्दू से रिलेटेड काम कर सकते हैं. If you want to type उर्दू, if you want to do any kind of editing, then you can use InPage. Is it clear? So वो software या वो programs जिसका कोई ना कोई specific use है, कोई ना कोई specific task है, they are known as your एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सो यहाँ पर आप इन पेज का सेटअप है, आप इसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं. मैंने अपने कंप्यूटर में ऑलरेडी कर दिया है. इसके अलावा मैं गूगल क्लासरूम में भी इसका सेटअप शेयर कर दूंगी. सिंपली जस्ट हैव टू वॉच द वीडियो और आप सिंपली जैसे उस सेटअप पर क्लिक करेंगे और आपने सिंपली येस कर देना है, ओके कर देना है एंड इट विल बी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल इन योर कंप्यूटर. नाउ आई विल ओपन इन पेज. You can type in page. Okay, so this is basically in page 2012. आपके पास अगर आपके कंप्यूटर में कोई और इन पेज इस वक्त अगर इंस्टॉल है then simply you can use that one. Okay, so after that as you can see there is a blank area. So now how we can type in Urdu? Can anyone tell me? Right. So basically यहाँ पर आपके पास है एक blank area. Here you can, as you can see, there is option of file button or there is option of new. So now what does you understand by the new? इस new command से आपके mind में क्या चीज़ आती है? वानिया ज़हरा, can you tell me? Right, that means you can take a new page. Then simply I will click on this option of new. Is it clear? And here you have to click on this option of OK.
Okay, so after pressing or taking a new page, this kind of interface will appear on your screen. So as you can see, there is a cursor on your screen. आपकी स्क्रीन पर इस वक्त एक जो कर्सर अपीयर हो रहा है, as you can see this blinking line. This blinking line is used if you want to type. ये blinking line basically उस जगह पर होगी जहां पर आपने टाइप करना है. Is it clear? Okay. So now for example, here we have different kind of tabs. अच्छा, आपने इसमें basically काम क्या करना है, इस complete video को देखने के बाद आपने मुझे एक story लिख के देनी है उर्दू में, and then you have to share that picture of story with me on Google Classroom. Is it clear? Simply just type a story in InPage, and then at the end you have to share your file with me in Google Classroom. Is it clear, class? So that you must know how we can type in Urdu, and it can be possible that there will be a paper of Urdu in by using this software. So please do a practice. Okay, so first of all, here we have different tabs: file button, edit, view, format, insert. ये हमारे पास सारे tabs हैं. हर tab का कोई ना कोई एक specific use है. Can anyone tell me what is the name of this bar? Kanita, can you tell me? Right, this tab is known as menu bar. Is it clear? Her tab, basically jitne bhi aapke paas tabs hain, file, edit, view, etc. This complete bar is known as your menu bar. ठीक है, जैसे ही आप फाइल पर क्लिक करेंगे तो इट विल शो यू सम बेसिक काइंड ऑफ टास्क और फंक्शंस. फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू टेक अ न्यू पेज, इफ यू वांट टू ओपन प्रीवियस वर्क, इफ यू वांट टू क्लोज योर फाइल, इफ यू वांट टू सेव एज. सो नाउ कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज? सेव और सेव एज के दरमियान क्या डिफरेंस है? राइट, सेव इज बेसिकली यूज जब आप कोई काम कर रहे हो और टाइपिंग कर रहे हो और एट द एंड अपनी फाइल को सेव कर देते हो. फिर नेक्स्ट टाइम आप जब भी उसमें टाइपिंग करते हो आप सिंपली सेव करते हो. यू कैन ऑल्सो प्रेस कंट्रोल एस. बट सेव एज का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी फाइल को डेस्कटॉप पर सेव किया. नाउ इफ यू वॉन्ट टू मेक इट एनदर कॉपी, अगर आपने उसी फाइल की एक और कॉपी क्रिएट करनी है, then we can use it with the help of save as. Is it clear? Right. So first of all, let's see, हम इसमें टाइपिंग करके देखते हैं and then at the end we will see the basic introduction of these tabs. So for example, I will type, I will make the font size increase, I will increase the font size and I will write मेरे स्कूल का. फॉर एग्जाम्पल, आई विल टाइप हेयर मेरा नाम. ओके, सो एज यू कैन सी आपके पास जो कीबोर्ड है, अब मैंने किस तरह से टाइप किया है, बेसिकली मैं कीबोर्ड यूज कर रही हूँ. आई कैन नॉट शो यू माई कीबोर्ड बिकॉज दिस इज अ स्क्रीन रिकॉर्डिंग. सो आई विल शो यू हेयर द ऑन स्क्रीन कीबोर्ड. हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के थ्रू टाइप करेंगे. As you can see, this is on-screen keyboard. वो keyboard जो कि आप अपने screen के अंदर open कर सकते हैं. For example, if your device keyboard is not working, then you can use this keyboard. Okay. So यहाँ पर मैंने लिखा है मेरा नाम, अगर शकीला है, so what I will do? Now for example, मुझे नहीं पता अब मैंने किस letter से क्या word type करना है. अब इसमें क्या है, बेसिक आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है. फॉर एग्जांपल एम, तो आप सबको पता है एम और उर्दू में क्या हो सकता है, जो सेम साउंड दे रहे हो या सेम लेटर हो. जैसे कोई नेम होता है, फॉर एग्जांपल मारिया, तो मारिया में एम स्टार्ट होता है, और इसी तरह से अगर हमने उर्दू में देखना है सो दैट विल बी मीम. तो इसी तरह से एम की जो साउंड है या उर्दू में है वो सेम, इट विल बी मीम और एम. And this will be I, ये. अब फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं पता I किस जगह पर है,
for example, it can be on this place, no. So how I can do or how I can find? So here you have to click on this option of edit. आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है एडिट एंड हेयर एज यू कैन सी प्रेफरेंसेस इज इट क्लियर सो हेयर यू विल सी द नेक्स्ट ऑप्शन इज कीबोर्ड प्रेफरेंसेस कीबोर्ड प्रेफरेंसेस क्लिक ऑन दिस ऑप्शन एंड आई एम गोइंग टू क्लोज दिस ऑप्शन राइट नाउ ओके सो इस ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करें And as you can see, keyboard preferences. There is option phonetic, Farsi. That means कि आपने किस किस्म की typing करनी है. अगर आपने Arabic में type करना है, then you will choose this keyboard Arabic. और यहाँ पर आपके पास option है Arabic keyboard view. If you want to see how the keywords of Arabic will look or which key will represent the Arabic letter of different keys, click on this option. So as you can see, if you want to type in Arabic and if you want to type Sheen then simply you can type with small letter of A is it clear so इसी तरह से आपने अपने keyboard को first of all select करना है अगर आपकी कोई ऐसी mistake हो जब आप typing कर रहे हो कि उसमें आपकी options show नहीं हो रही हो आपने M लिखा है और उससे अगर Sheen आ रहा है और अगर M से type करो और P आ जाए या P आ जाए इस तरह से कोई letter simply just select your relevant keyword relevant keyboard here you will find Kashmiri keyboard and you will find also some other keyboard Aftab monotype so we will use phonetic is it clear I will click on this option of phonetic and I will click on this option of ok is it clear aur yahan se aap apna size change kar sakte hain is it clear for example I will type ye aur yahan se main dekh bhi sakti hu ki kaun sa word mujhe kya show kar raha hai keyboard preferences view so yahan se aap dekh lein ya isko save kar lein iski picture le le screenshot le le mobile se picture le le for example m to m maine kis se type karna hai meme maine kis se type karna hai m se aur kuch keyboard hamare paas aise hote hain jiske upar लेटर्स के ऊपर अल्फाबेट्स के ऊपर हमारे पास हरूफ तो हज्जी भी लिखी होती है सो अगर आपका वो नहीं है सो आप सिंपली यहाँ से देख सकते हैं और अपने राइट कीबोर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं आई विल टाइप हियर मीम ये रे अलिफ मेरा नाम नून अलिफ मीम शकीला मेरा नाम मीम फातिमा अगर आपको किसी का नहीं पता तो आप सिंपली यहाँ से उसको सर्च कर सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे नहीं पता फातिमा में तो ही मैंने किससे टाइप करना है देन सिंपली यू कैन सिलेक्ट एज यू कैन सी इट विल बी विद द हेल्प ऑफ V ठीक है V को आपने यूज़ करना है शिफ्ट के साथ ये जितने भी ऊपर वाले सिंबल्स हैं ये सेम ऑटोमेटिकली उसी तरह से टाइप हो जाएंगे और जो नीचे वाले सिंबल्स हैं उसको आपने शिफ्ट के साथ यूज़ करना है इज इट क्लियर इज इट क्लियर क्लास सो इन दिस वे जस्ट सेलेक्ट यूर फॉन्ट साइज आपने अपना फॉन्ट साइज यहाँ से सिलेक्ट करना है जितना बड़ा नंबर होगा दैट मीन्स द बिगर फॉन्ट साइज एंड सिंपली जस्ट स्टार्ट टाइपिंग एंड फ्रॉम हेयर यू कैन चेंज द टेक्स्ट ऑल्सो फॉन्ट फेस कि अगर आपने अपना राइटिंग स्टाइल चेंज करना है आप इजीली उसको चेंज कर सकते हैं इज इट क्लियर सो क्लास सो फॉर नाउ क्लास यू जस्ट हैव टू वॉच दिस वीडियो लेसन केयरफुली आपने इस वीडियो लेसन को ध्यान से देखना है इसी की प्रैक्टिस करनी है एंड इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी दिस इज नॉट टू मच डिफिकल्ट टॉपिक सो इफ यू कैन वॉच दिस वीडियो यू विल लर्न हाउ वी कैन टाइपिंग हाउ वी कैन डू टाइपिंग इन उर्दू
and just simply watch this video, do the practice, and you find any difficulty, then you can ask me in WhatsApp or in Google Classroom.